हेलो गाइस, आज मैं आपको अल्फ़ाबेट रीजनिंग में वर्णमाला अल्फ़ाबेट के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन को हल किया जाता है। चलिए देखते हैं। आज अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर रहता है जो कि ए से जेड तक, जिसमें यदि इनका ए का मान गणितीय मान करेंगे तो गणित में इसको ए को एक, बी को दो, सी को तीन, डी को चार, इस टाइप से लिखते हैं। मैंने पिछले वीडियो में इसका एक विस्तृत जानकारी दे दी है, आप उसको देख सकते हैं। मैं उसको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। फिर भी इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से अगर कोई भी अक्षर आएगा अल्फ़ाबेट का तो उसका गणितीय अंक कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे अगर H आ गया तो H को हम H जो कि 8 की तरह दिख रहा है, इधर से ऐसे करने पर इधर से 8 की तरह दिख रहा है। I तो सीधा 9, I है, इसको ऐसे कर देंगे तो ये 9 की तरह दिखेगा। J जो कि 10 है, K जो कि 11, एक ये सीधा और इसको एक मान लेंगे। K का मान जो कि 11 है, इसका L का मान 12 ही याद रखना है आपको। M का 13, इसको एक करना है, फिर इधर 3 13, इसका 14 और इसका 15। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है ई जो टी, इसको आप लोग याद रखें। ई जो टी में ई का 5 10 15 20, इसका 25 मान है। इस तरफ से आप लोग याद रखेंगे। पी का अगर उल्टा करेंगे, पी को अगर उल्टा करेंगे तो इस टाइप से दिखेगा। इधर एक 16, पी का मान जो कि 16, क्यू का 17, आर को इधर से इसे मोड़ देने पर यह 18 हो जाएगा, 9 को इधर से करने पर ये 19, टी ट्वेंटी, टी का मान यू का मान 21, 1 2 है तो 2 और 2 22, इसका मान 22। इसी तरह डब्लू का मान जो कि पहले 2 लिखेंगे, फिर इधर से 1 2 3, एक्स का मान में 1 2, फिर जो कि 4 है 1 2 4 लेंगे। वाई का मान तो पता ही होगा 25, जेड का मान 26। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बायां से 18वें अक्षर से बायां के 7वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा। इसका एक सूत्र बताता हूँ। अगर बायां बायां आया तो बायां प्लस बायां तो माइनस करेंगे, अगर दायां दायां प्लस दायां आया तो माइनस करेंगे, और बायां प्लस दायां आएगा तो प्लस करेंगे, और दायां प्लस बायां आएगा तो प्लस करेंगे। बायां का 18 माइनस 7 11, 11 का मान क्या होगा, के 11 का मान K होगा अल्फ़ाबेट में। इसी तरफ से क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। दायां से 15वें अक्षर से दायां के 6वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, इसको देखेंगे। दायां और दायां 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 है, इसीलिए माइनस करेंगे। 15 माइनस 6
बराबर नौ। नौ को 27 से माइनस करना है, नौ को 27 से माइनस करेंगे तो 18 आएगा। 18 का मान जो कि आर होता है अल्फाबेट में, 27 माइनस इसलिए किए क्योंकि अगर दायां आता है फर्स्ट में, शुरू में अगर दायां आता है तो पहले यदि माइनस वाला हुआ तो माइनस करेंगे, प्लस वाला हुआ तो प्लस करेंगे, फिर इसको 27 से घटाएंगे, फिर उसका मान जो भी आएगा उसका अक्षर लेंगे। चार चौथा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। बाएं से आठवें से दाएं के छठवें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा? आठ और छः जो कि बायां और दायां दिया है, इसको जोड़ेंगे तो 14 आएगा। 14 का मान जो कि एन होता है। रूल वन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो उसको कैसे हल करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। जैसे ए से एम तक, एम से जे तक, तो हमने एम से एन तक को आधा भाग है, इसको उल्टा करेंगे तो एम माइनस एम से एन, और इसको ऐसे रखने देंगे एन से जेड। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, देखते हैं इसको हल कर कर क्वेश्चन को इसका। क्वेश्चन नंबर एक, बाएं से चार चौथा चारवें से दाएं के छवे नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए? उल्टे क्रम में लिखेंगे तो इसका एक इसको सीधा जैसे पहले क्वेश्चन को ये उसी तरह हल करेंगे। चार और छः बराबर दस, बायां है और दायां, बायां दायां जोड़ेंगे। मैंने बताया था कि बायां दायां जोड़ते हैं अगर, फिर इसको हम लोग 14 से माइनस करेंगे, 14 से माइनस करेंगे। 14 से माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि ए से एम तक जो कि 13 अक्षर आते हैं और एक उसमें बढ़ा देंगे तो 14 हो जाएगा। एक उसमें बढ़ा देंगे तो 14 हो जाएगा, सिर्फ 14 से माइनस करेंगे। 14 से माइनस करने पर 10 को 4 आएगा। 4 का मान होता है डी, 4 का मान होता है डी, क्योंकि आप लोग सीधा अगर एम से अगर आप लोग 10वां अक्षर गिनेंगे तो गिनने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ये एक सूत्र है 14 जो कि सूत्र है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग 14 वाला सूत्र है इसको याद रखेंगे कि 14 से माइनस करना है अगर प्रथम आधा भाग उल्टा वाला क्वेश्चन आएगा तो। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दाएं से 15वें से बाएं से छठवें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा अगर आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए? इसको करेंगे दायां और बायां दिए हैं जो कि दायां बायां को जोड़ते हैं तो 15 और 6 बराबर 21। और दायां का एक रूल है जो कि अगर दायां फर्स्ट में शुरू में आता है तो इसमें जोड़े हुए मान को 27 से या घटाए हुए मान को 27 से माइनस करना पड़ता है, तो इसका ही मान है जोड़ा हुआ मान, 15 और 6 का जोड़ा तो 21 हो गया, 27 में 21 को घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा। फिर आधा उल्टा भाग में 14 में 6 को घटाएंगे क्योंकि इसका सूत्र है, अगर आधा उल्टा भाग आया तो 14 जो कि इसका
सूत्र है, इसमें घटाएंगे तो 8 प्राप्त होगा। 8 का मान जो कि h होता है। देखते हैं तीसरा नंबर, दाएं से 22वें से दाएं के 4वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा अगर पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए। देखते हैं क्वेश्चन को, इसमें दाया दिया है और इसमें दाया, दाया दाया दो की माइनस करेंगे, 22 माइनस 4 बराबर 18 आएगा। फिर 18 में शुरू में जो कि दाया दिया है, दाया का मान, दाया अगर शुरू में आता है इसको जोड़ा हुआ मान या तो घटाया हुआ मान को 27 से माइनस 18 जोड़ा हुआ मान से माइनस करेंगे तो इसका मान 9 आएगा। फिर पहला आधा भाग उल्टा क्रम, इसका जो कि मान 14 से 9 को घटाएंगे तो इसमें 5 प्राप्त होगा। 5 का मान ई जो कि इसका एक आंसर है। रूल दूसरा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधा भाग उल्टा क्रम में लिखा जाता है तो, अब दूसरा भाग हो गए, पहले हमने देखा तो ए से एम तक को उल्टा किया और इसके बाद हम जेड से एन से जेड तक के मान को उल्टा करेंगे। पहले एम से ए तक के मान को उल्टा लिखा, फिर अब जेड से एन तक के मान को उल्टा लिखकर क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला है, दाएं से 10वें से दाएं के 6वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा अगर दूसरा आधा भाग उल्टा क्रम में लिखा जाता है तो। इसमें दाया और दाया दाया है तो माइनस करेंगे, 10 माइनस 6 बराबर 4। और दाया का एक और सूत्र है, दाया अगर शुरुआत में आता है तो जोड़े हुए मान को इसको 27 से माइनस करेंगे, 4 को 27 से माइनस करेंगे तो 23 प्राप्त होगा। 23 का जो कि दूसरा आधा भाग अगर उल्टा क्रम में अगर दिया हो तो उसमें एक सूत्र है जो कि 40 से आप लोग माइनस करेंगे, अगर दूसरा वाला दिया हो दूसरा आधा भाग उल्टा करेंगे तो 40 से माइनस करेंगे, अगर पहला वाला भाग उल्टा करेंगे तो 14 से माइनस करेंगे। तो इसको 40 से माइनस करेंगे, 23 को 40 से माइनस करने पर 17 आएगा, जो कि 17 का मान होता है क्यों। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, बाएं से 22वें से बाएं के 4वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा अगर दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो। इसको देखेंगे, बायां और बायां दो बार बायां दिए तो माइनस करेंगे, 22 माइनस 4 बराबर 18। फिर ये तो हो गया, इसको हल कर लिया, फिर उसके दूसरा आधा भाग, दूसरा आधा भाग का मान 40 से आपको माइनस करना है, दूसरा आधा भाग का ये सूत्र है, इसमें 40 को माइनस करेंगे तो 22 आएगा, और जो कि 22 का मान भी होता है। ये रूल 3 है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहला और दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाता है, अब इसमें एक ट्विस्ट आ गया, दोनों भाग को उल्टा क्रम में लिखना है, दोनों भाग को उल्टा क्रम में लिखना है, ए से एम, एन से जेड, एम से एक उल्टा लिखेंगे और जे से एन को उल्टा लिखेंगे, दोनों इसमें पहला और दूसरा दोनों को उल्टा क्रम में लिखेंगे। तो इस टाइप से
बन जाएगा। इन दोनों के लिए एक सूत्र है, जैसे हमने पहला का उल्टा क्रम में आंसर आएगा तो उसको 14 से माइनस करेंगे, अगर दूसरा उल्टा क्रम में आता है तो उसको 40 से माइनस करेंगे। नंबर पहला, दाएं से 12वें अक्षर के बाएं से 5वें अक्षर पर कौन सा नंबर आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहला व दूसरा दोनों आधा भाग उल्टा क्रम में लिखा जाए, इसको क्वेश्चन को हल करेंगे। दाया दिया है और बाया, तो इसको जोड़ेंगे, दाया बाया को जोड़ते हैं, 12 × 5 = 17, जो कि शुरू में दाया दी है, तो इसको 27 से माइनस करेंगे। 27 से माइनस करने पर इसका मान आएगा, माइनस करने पर 12 आएगा। फिर 12 को, 12 जो कि किस में आता है, 12 अंक तक पहले में आता है, ए से एन तक पहले में आता है ना, 14 से तो उस पर अगर कोई भी 14 से अगर ज़्यादा आएगा तो दूसरे 40 से माइनस करेंगे, अगर 14 से नीचे अंक आता है तो उसको पहला वाला में करेंगे, पहला जो कि 14 से नीचे है तो 14 से माइनस करेंगे, 14 − 12 = 2, जो कि 2 का मान बी होता है। क्वेश्चन पहला, ते 14वें अक्षर के बाएं से 6वें अक्षर पर कौन सा नंबर आएगा यदि अंग्रेजी में नंबर एक पहला व दूसरा दोनों आधा भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, इसको देखेंगे। शुरू में दायां फिर बायां दिया है तो जोड़ेंगे, 14 × 6 = 20, 20 शुरू में जो कि दायां दिया है तो इसको 27 से माइनस करेंगे, 27 से माइनस करेंगे तो 20 करेंगे तो 7 आएगा। फिर 7 जो कि पहला में आता है, पहला उल्टे आधा भाग में पहला में आएगा, तो इसको 14 से माइनस करेंगे, 14 से माइनस 7 = 7, 7 का मान जो कि जी होता है, इसका जो कि आंसर जी है। क्वेश्चन, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं से 4वें अक्षर पर कौन सा नंबर आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहला एवं दूसरा दोनों आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए, बराबर इसमें दायां और बायां दिए तो जोड़ेंगे, 8 × 4 = 12, शुरू में जो कि दायां दिए हैं तो इसको 27 से माइनस करेंगे, 27 − 12, इसका अंक आएगा 15, 15 जो कि 14 से अधिक है इसीलिए इसको 40 से माइनस करेंगे, 40 से माइनस करने पर 25 आएगा, 25 का मान अगर अल्फाबेट में वाई होता है इसका उत्तर जो कि वाई होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे, इसी तरह एजुकेशन रिलेटेड मेरे यूट्यूब चैनल आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।